ही हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तुर्ग, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल की टिकुड़ी में स्वागत। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है बदबू पांडे की बेइज्जती हुई, तो वीडियो को देख के जानते हैं कि क्या है इसमें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वॉच इट स्टार्ट। हम आए दिन अपने देश में खिस्सा देखते हैं, लव जिहाद, लव जिहाद। आखिर क्यों हो रहा है ये लव जिहाद? और मैं अपने धर्म से सवाल करना चाहती हूँ, अपने धर्म की लड़कियों से सवाल करना चाहती हूँ कि आखिर क्यों। तो मेरा सवाल सीधा उस समुदाय से है जो हमसे प्रेम करने का नाटक करता है और हमारे ही धर्म की बहु बेटियों को जलाकर काटकर मार देता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शारिफ खान। आज इतनी बड़ी खबर लेकर के आया हूँ कि इस खबर को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जो लोग ये कहते हैं कि लव जिहाद मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और इसका अब्दुल तो वैसा है और उसका अब्दुल तो वैसा है, इस खबर को देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी और खास करके उन अंधभक्तों की आंखें खुल जाएंगी जो लगातार किसी एक विशेष समुदाय पर इल्जाम लगाते हैं लव जिहाद का। सबसे पहले मैं आपको खुशबू पांडे का एक वीडियो दिखाऊंगा, जिस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि ऐसी अभद्र भाषा में बात कर रही है किसी एक विशेष समुदाय के खिलाफ और लगातार ये इल्जाम लगा रही है कि लव जिहाद को एक विशेष समुदाय जानबूझ करके लव जिहाद करता है और उसके बाद हिंदू समाज की लड़कियों को छोड़ देता है, उनके साथ गलत करता है। ये वीडियो आप देखिए सबसे पहले खुशबू पांडे की और उसके बाद किस तरह से इनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये आगे मैं आपको एक वीडियो और दिखाने वाला हूँ। उसमें आप देखेंगे कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने कितना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा काम किया है कि यति नरसिंह आनंद सरस्वती हो, चाहे खुशबू पांडे हो, चाहे इनके जैसे और हजारों अंधभक्त वो हो, उनके मुंह पर थूकने का काम किया है। हाँ। सबसे पहले खुशबू पांडे की वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मामला हुआ क्या है। बहुत ही ज्यादा बड़ी घटना घटित हुई है अंधभक्तों के लिए, सेक्युलर इंसान के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन अंधभक्तों के मुंह पर जूती मारने वाला काम हुआ है। तो पहले खुशबू पांडे की वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। बिल्कुल नहीं, प्यार धर्म से बड़ा है ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा धर्म ही प्रेम सिखाता है ये हम जरूर कहेंगे। आपने देखा होगा, अभी हम बात ये कहते हैं क्योंकि अभी हमने बयान भी सुना है कि इसमें धर्म क्यों देखा जा रहा है। हम आए दिन अपने देश में खिस्सा देखते हैं लव जिहाद, लव जिहाद। आखिर क्यों हो रहा है ये लव जिहाद? और मैं अपने धर्म से सवाल करना चाहती हूँ, अपने धर्म की लड़कियों से सवाल करना चाहती हूँ कि आखिर क्यों इतने किस्से देखने के बाद, कभी सूटकेस में बंद होने के बाद, कभी एसिड में जलने के बाद, कभी ऊपर से फेंकने के बाद, कटने के बाद, फिर भी ये लड़कियां ऐसी हरकत क्यों करती हैं? आखिर क्या और ऐसा कौन सा प्रेम होता है जो बात बात में काटने मारने जलाने की धमकी ही ना दे बल्कि उसे साबित भी कर दे? ऐसा कौन सा प्रेम होता है? तो मेरा सवाल सीधा उस समुदाय से है जो हमसे प्रेम करने का नाटक करता है और हमारे ही धर्म की बहु बेटियों को जलाकर काटकर मार देता है। अगर आप इस तरह से पूछे, अगर आप मुझसे सवाल का जवाब जानना चाहती हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे सनातन धर्म में स्त्रियां बड़ी कोमल दिल की होती हैं, माना जाता है बहुत कोमल दिल की होती हैं वो, लेकिन इतना भी कोमल नहीं होना चाहिए कि उस माँ को वो भूल जाए जिस माँ ने उसे 9 महीना कोख में रखा, जिस पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया पाल पोस कर इतना बड़ा किया इस दिन के लिए कि वो लव जिहाद करे। और चलिए मान लूं, मैं मान लूं कि ये एक घटना है तो चलो कोई बात नहीं, सिर्फ सिवाय एक के साथ हुआ, लेकिन ये तो आए दिन होते आ रहा है। और फिर भी अगर लड़कियां नहीं सुधरी तो मैं ऐसी लड़कियों के साथ कोई सहानुभूति नहीं रखना चाहूंगी। आज प्रियंका, अभी कुछ दिन पहले झारखंड की अंकिता, अभी श्रद्धा, अभी आने वाली बहुत सी लड़कियों के साथ ऐसा होगा जिसका बॉयफ्रेंड, जिसका होने वाला पति, जिसको वो अपना पति मानती है, 7 जन्म का साथी मानती है, वो पति उसके साथ लव जिहाद करने वाले का। ये सच्चाई है, ये बहुत कड़वी सच्चाई है जो हमारे धर्म की लड़कियां समझ नहीं पा रही हैं कि उसका अब्दुल भी वही अब्दुल है जो जिसने बाकी हिंदू लड़कियों को मारा, और उसके साथ भी वही घटना होगा जो बाकी हिंदू लड़कियों के साथ हुआ। आपको क्या, आप बात कर रही है, डर
कौन डर रहे हैं? अरे इन लोग के मन में डर बात कर रही है, हमारे देश के मुसलमान बहुत डरे हुए मुसलमान है। आपने ओवैसी का बयान नहीं सुना? आपने इस देश में मौजूद मौलवियों का बयान नहीं सुना? वो क्या कहते हैं कि इस देश में रहने वाले मुसलमान खतरे में है, इस देश के मुसलमान डरे हुए मुसलमान है। मुझे जवाब चाहिए, ऐसे कौन से डरे हुए मुसलमान है जो कभी हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं करते हैं, कभी हमारे सिबलिंग पे गंदी टिप्पणी करते हैं, कभी हमारे धर्म की बेटियों को जलाते हैं, मारते हैं, काटते हैं? और तो और चलिए अगर मैं अभी सवाल उठा दूं कि ये आपके कुरान में लिखा है तभी आप ये कहते हैं, क्योंकि हमारे भगवदगीता में तो ये नहीं लिखा है। हमारे भगवदगीता में लिखा है कि विश्व का कल्याण हो, हमारे भगवत गीता में लिखा है प्राणियों में सद्भावना हो, लेकिन आप में क्या लिखा है काफिरों को मारो? आप में क्या लिखा है कि चार शादी करनी जायज है? और जायज है तो करो अपने धर्म की लड़कियों के साथ शादी। हमारे धर्म की बेटी सिवाय हमारे धर्म की ही होगी, सिर्फ हमारे धर्म की होगी। बिल्कुल वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, लेकिन मैं एक बात आपको बोल दूं, बहुत कड़वी सच्चाई है। माँ बाप अपनी बच्चियों पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं, ये सोच के उसे पढ़ने लिखने बाहर भेजते हैं कि वो आएगी तो हमारा नाम करेगी, ना कि इसलिए कि वो बाहर जाके ये बोले कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। और आखिर मैं क्यों क्यों रखूं ऐसी लड़कियों के साथ सहानुभूति? क्या वो न्यूज नहीं देखती? क्या वो अखबार नहीं पढ़ती? क्या वो ब्रेकिंग न्यूज उन्हें समझ नहीं आती? ऐसी कौन सी लव की पट्टी पड़ गई आंखों में जो उनको जनौधारी पसंद नहीं आते, टोपीधारी पसंद आते हैं? ये बिल्कुल अभी देखिए सांप्रदायिकता वाली बात हो जाएगी। अगर मैं कुछ कहूं तो लोग एलिगेशन लगाते हैं ये लड़की हिंदू मुसलमान करती है। आखिर एक बात बताइए, 56 कंट्री है इस्लामिक कंट्री, हमारे पास हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन इतना हम लोगों की दुर्बलता है कि हम अपने हिंदू धर्म के लिए भी नहीं बोले, हम अपने हिंदू धर्म के लिए आवाज ना उठाएं, हम अपने हिंदू धर्म की बहु बेटियों को ना बचाएं, उसे मरने के लिए छोड़ दें? आखिर क्यों? और कौन है ये लोग जो यहाँ अभी कितने लोगों ने मोर्चा निकाला? अरे ये वो भूमि है, ये भारत की वो भूमि है जहां पे स्त्री की सम्मान के लिए महाभारत जैसे युद्ध छिड़ गए थे, ये वही भूमि है जहां पे स्त्रियों की स्त्री के लिए रामायण छिड़ गए थे। पढ़ी लिखी लड़की होती है वो तो वही है, वो अधिकतर जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ पढ़ाई की, उन्होंने अपना ग्रंथ नहीं पढ़ा। अगर उन्होंने ये पढ़ा होता कि किस तरह लव जिहाद के चक्कर में ना पड़ने के लिए हमारी रानी पद्मावती ने आत्म जौहर किया था तो वो कभी गलती नहीं करती। किस तरह हमारे देश की वीरांगनाओं ने मुगलों को अपना शरीर छूने नहीं दिया, अपना जौहर किया, तलवार उठाकर युद्ध भूमि में चली गई युद्ध करने, इन्हें इतिहास नहीं पढ़ाया गया। तो देखा दोस्तों किस तरह से जहरीली जुबान से किसी एक विशेष समुदाय के लिए ये जहर उगल रही है। अब इनके मुंह पर गोबर मारने वाला क्या काम हुआ है मैं आपको बताता हूँ। बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जिला है शिमला, जहां पर एक जगह है रामपुर, वहां पर एक कॉम्प्लेक्स है सत्यनारायण कॉम्प्लेक्स, जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का ऑफिस है, उसके अंदर दफ्तर है। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को तो आप जानते होंगे, दोनों हिंदू संगठन है और लगातार इनके ऊपर आरोप लगते हैं कि ये कट्टरवाद फैलाते हैं और मुस्लिमों के लिए हेट स्पीच का काम भी करते हैं। तो इन्होंने वहाँ पर काम क्या किया है ये बड़ी खबर है। इन्होंने वहाँ पर क्या किया है, सत्यनारायण कॉम्प्लेक्स के अंदर एक मंदिर है ठाकुर सत्यनारायण, उस मंदिर के अंदर एक मुस्लिम समाज के लड़के ने एक हिंदू समाज की लड़की से शादी की, मंदिर के अंदर वो भी पूरे मुस्लिम रीति रिवाज से पूरे निकाह कराया गया, खुतबा पढ़ाया गया, लड़की की तरफ के भी फैमिली वाले मौजूद थे, लड़के की तरफ के भी फैमिली वाले मौजूद, खुशी खुशी इस शादी को अंजाम दिया गया। और इस शादी कराने वाला कौन था मालूम? विश्व हिंदू परिषद। जी हाँ दोस्तों, विश्व हिंदू परिषद की छत्र छाया में ये शादी हुई, मंदिर के अंदर ये शादी कराई जाती है, मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह होता है, कारी साहब निकाह पढ़ाते हैं, दोनों साइडों से गवाह मौजूद होते हैं, पूरा एक मुस्लिमों का एकामात इन्होंने फॉलो किया। अब आप ये बताइए कि वो आरएसएस और वो विश्व हिंदू परिषद जिसके ऊपर लगातार आरोप लगते हैं और जिनके मानने वाले जो उनके अनुयायी हैं, जैसे खुशबू पांडे, यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो लगातार जहर उगलने का काम करते हैं, उनके मुंह पर तमाचा है कि नहीं है? उन लोगों के मुंह पर ये तमाचा है कि नहीं है कि विश्व हिंदू परिषद जो हिंदुओं का एक बड़ा संगठन है उसकी छत्र छाया में एक मुस्लिम लड़के से हिंदू लड़की की शादी कराई जाती है, वो भी पूरे मुस्लिम रीति रिवाज के तहत उनका निकाह होता है,
और जो लड़की के जो फादर साहब हैं वो भी मुसलमान नहीं है, वो भी हिंदू समाज से ताल्लुक रखते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि इन नफरत बाजों का खेल खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अब आप मुझे ये बताइए कि इन नफरत बाजों को बेवकूफ बनाने का काम हुआ कि नहीं हुआ? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो ये नफरत फैलाने वाले बदबू पांडे बहुत उल्टा बोलते हैं दूसरों धर्म के बारे में, मुस्लिमों के बारे में तो जहर बोलते हैं पूरी तरीके से। इसके अंदर इतना जहर भरा हुआ है कि पूछ मत। और इसको दिखाया गया आरएसएस ने हिंदू और मुस्लिम की शादी कराई, लड़की हिंदू थी और लड़का मुस्लिम था, दोनों ने आपस में शादी की। इसमें यही बता रहा था जो कि बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग बता रहे कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यारा सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखना, जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।